संदेश खाली को नया नंदीग्राम बनाने की तैयारी में बीजेपी, स्ट्रेटजी के तहत जमीनों पर कब्जे का नहीं, महिलाओं का मुद्दा उठाया, यही ममता की ताकत। टीएमसी के नेता जगह जगह गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल और देश की महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। संदेश खाली का ये तूफान पश्चिम बंगाल के हर कोने में जाएगा और पूरे राज्य में टीएमसी को तहस नहस कर देगा। 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना के बारा साथ में थे। उन्होंने अपने भाषण में संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र किया। बीजेपी भी बंगाल में इसी तरह स्ट्रेटजी के तहत महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा जोर लगा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल के महिला वोट बैंक पर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अच्छी पकड़ है। बीजेपी उसी में सेंधमारी की तैयारी में है। पार्टी प्रदेश में 25 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। नंदीग्राम की तरह संदेश खाली को टर्निंग पॉइंट बनाने में जुटी बीजेपी। बीजेपी संदेश खाली की नंदीग्राम आंदोलन की तरह ही देख रही है। नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी की सियासी कामयाबी की कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने यहां जमीनों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। इसका ऐसा असर हुआ था कि टीएमसी ने 34 साल से बंगाल में काबिज लेफ्ट की सरकार को हरा कर पहली बार सरकार बनाई थी। संदेश खाली में भी नंदीग्राम की ही तरह जमीनों पर अतिक्रमण का मुद्दा है, लेकिन यहां अतिक्रमण के साथ साथ टीएमसी से सस्पेंड शेख शाहजहां के महिलाओं पर अत्याचार और यौन शोषण के किस्से भी हैं। लिहाजा बीजेपी यहां अतिक्रमण के बजाय महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। ममता बनर्जी की महिला वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। पिछले चुनावी नतीजों को देखें तो पश्चिम बंगाल की महिला ममता बनर्जी के साथ हैं। बीजेपी इसी वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहती है। लगातार ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसके जरिए बंगाल की महिलाओं को टीएमसी से दूर किया जा सके। संदेश खाली ने बीजेपी को यही मौका दे दिया है। वहीं बातचीत में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा कि संदेश खाली अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और किसी भी हाल में हम इसे ठंडा नहीं पड़ने देंगे। बंगाल में महिला वोटर्स दिलाती हैं सत्ता। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की भूमिका चुनाव में काफी अहम है। बंगाल के कुल 7.5 करोड़ वोटर में 3.70 करोड़ महिला वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 82% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जो पुरुषों से भी ज्यादा थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।